खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यापारी को बंदूक दिखाकर लूट का प्रयास किया गया। कार सवार 5 बदमाश दुकान में घुसे। बदमाशों ने व्यापारी से लूट का प्रयास किया है। व्यापारी के चिल्लाने पर छोड़ भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी घटना। तस्वीरें आपके सामने हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई, क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई है। डीवाईएसपी हिम्मत सिंह, थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह पहुंचे हैं मौके पर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बेखौफ ये बदमाश व्यापारी से लूट का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के पास और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश यही है कि इन तस्वीरों को देख करके सावधानी बरतने की कोशिश। और देखिए बदमाशों ने व्यापारी से लूट का प्रयास किया। व्यापारी के चिल्लाने पर ये देखिए डर कर किस तरह से भागे और एक कार में बैठ करके ये बदमाश आए थे। 5 बदमाश, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। ये देखिए किस तरह से पहले पिस्टल दिखाई और फिर पिस्टल दिखाने के बाद व्यापारी भी खड़ा हुआ और अपनी ओर से इन बदमाशों को डराने का प्रयास किया। देखिए किस तरह से बदमाशों के साथ हाथापाई भी हुई। पिस्टल के साथ पहुंचे थे बदमाश लेकिन व्यापारी के हौसलों के आगे इनके पसीने छूटे। और हमारे साथ भीनमाल से सहयोगी उत्तम गोस्वामी जुड़ गए हैं। उत्तम, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये कब की पूरी घटना है और मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए ठीक है, पहले तो एक्चुअली जो तस्वीरें हैं वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितने जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं। ये घटना मैं सीखा बताना चाहूंगा आपको, ये घटना 10 बजे की है। जैसे ही व्यापारी अपना जो हिसाब होता है, जो डेली का हिसाब है वो होता है, वो करके जैसे ही घर की तरफ जा रहा था तभी एक कार में से 4 बदमाश उतरते हैं। एक ड्राइवर होता है वो अंदर ही बैठा रहता है और 4 कार में से उतरते ही दुकान में घुसते हैं और बंदूक की नोक पर व्यापारी को डराते हैं। हालांकि व्यापारी की सूझबूझ से ये जो बड़ा हादसा है वो टल चुका है क्योंकि जिस तरह से प्रयास किया जा रहा था लूट का, वो जो बदमाश है वो नाकामयाब हो गए। जी उत्तम, एक और जानकारी चाहूंगी कि ये जो पिस्टल एक बदमाश दिखा रहा था और 5 संख्या में है ये पूरे बदमाश और व्यापारी है वो अकेला दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति वहां बैठा है जो थोड़ा सा डर रहा था लेकिन व्यापारी ने अपनी ओर से हौसला दिखाया लेकिन पिस्टल होने के बावजूद ये बदमाश डरते हुए दिखाई दे, तो क्या ये नकली पिस्टल होने की भी जानकारी मिल रही है क्या? देखिए जिस तरह से जैसे ही जानकारी मिली DYSP हिम्मत सिंह और थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जिस तरह से बताने की पुलिस ने कार्रवाई क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवा दी गई है कि ये जो बदमाश है वो पुलिस की गिरफ्त में आए और इसका पूरा जो मामला है वो पता चले कि ये पिस्तौल वो नकली डुप्लीकेट थी, नकली है या फिर असली है और किस तरह से ये बदमाश है वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। जी चलिए उत्तम, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।